नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने, ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ, तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति के से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे।
तो आप तो वोट किसान ने दिया, मजदूर ने दिया, बेरोजगार युवा ने दिया, माताओं बहनों ने दिया, सबने मिलकर इस राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात, आप सोचिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और यह सिर्फ आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था, और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया, और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय उत्तर प्रदेश। शहर अध्यक्ष से आग्रह है कि धन्यवाद दें। शहर अध्यक्ष धीरे धीरे आपको आभार व्यक्त करें। मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।